सपने के नाराज, तुम्हें पक्का यकीन है कि भयंकर परी तुम्हें अपने तन का पता देंगी? क्योंकि भयंकर परी बहुत ही मतलबी और बुरी परी, और वो अपनी शक्तियाँ कभी किसी को नहीं देंगी। मैं जानती हूँ कि भयंकर परी कभी नहीं चाहेगी कि उसका जादुई डंड किसी और को मिले और वो भयानक लोक पे राज करे, लेकिन इस बार उसे ऐसा करना ही होगा, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए? हाँ, अपने लिए। तराज, हम उसे लालच देंगे, हम उससे कहेंगे कि भयंकर परी, हम तो आपको बचाने आए हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो शक्तिहीन हैं, हमारे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके प्राण वापस आए और आप इस सर्वदा कैद से बाहर निकलें, तो हमें अपना जादुई दंड का पता दे दे। अरे हाँ, पर तब तो भयंकर परी को अपने दंड के बारे में हमें बताना ही होगा। और एक बार हमें वो दंड मिल गया, उसके बाद हम यहाँ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। हाँ, एक विश्वासघाती परी के साथ विश्वासघाती होना चाहिए। केवल देना एक बार साइकिल। नहीं दूंगा। केवल साइकिल नहीं दूंगा। प्लीज केवल एक बार। नहीं दूंगा। अब मेरी चांस। मेरी आंखें खुली है, दिख रहा है मुझे। बॉस देखो ना, केवल कब से साइकिल चला रहे, अब मेरी चांस है, उसको बोलो ना, ये तो ना इंसाफी है। बॉस बॉस प्लीज बॉस बोलो ना केवल को। बॉस केवल कब से साइकिल चला रहा, अब मेरी बारी है। अरे उसे बोलो ना प्लीज बॉस, मेरे को चलाने दे। हाँ, तू चिंता मत कर, केवल को शैतानी का फल जरूर मिलेगा। पक्का ना बॉस, उसे ये शैतानी का फल मिलेगा। हाँ हाँ, पक्का पक्का। ये देख, उसे ये मीठा और स्वादिष्ट फल मिलेगा। वो बात बॉस, आपसे तो कुछ नहीं होगा, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। ए केवल, अब मेरी बारी है, अभी बहुत हो गया, आप साइकिल दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, साइकिल चलाने बहुत मजा आ रहा है। नाराज परी यहाँ क्यों आई है? भयंकर परी, आपको इस सर्वदा कैद से आजाद कराने आई हूँ। भयंकर परी, मुझे आजाद कराने के लिए आई है बवंडर परी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आजाद कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। आप देखो मेरे साथी मुझे कैसे आजाद करते हैं। आप मेरी आवाज सुन सकती है भयंकर परी? मैं तुम्हें सुन रही हूं मेरी प्यारी नाराज परी, जल्दी से दरवाजा खोलो, आजाद करो मुझे यहां से। और तुम भी सुनो बवंडर परी, मेरी आजादी की गूंज। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती नहीं दुश्मनी कबूल की, और मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। नाराज परी, दरवाजा खोलो, आजाद करो मुझे यहाँ से। भयंकर परी, भयंकर परी, आप मुझे सुन सकती है ना? भयंकर परी, मैं आपको इस सर्वदा कैद खाने से आजाद करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके जादुई डंड की जरूरत पड़ेगी। भयंकर परी, आप मुझे बता दीजिए कि आपका जादुई डंड कहाँ है, मैं उसे लाकर आपको इस कैद खाने से आजाद करा दूंगी। हाँ हाँ, मेरा जादुई डंड, वो
भयानक लोग के महल के पास ही है। जाओ जल्दी जाकर उसे लेकर आओ नाराज परी, जल्दी जाओ। मेरे जादुई डंडे के एक ही बार से सर्वदा कैद की ये मजबूत दीवारें रेत की तरह बिखर जाएंगी। जाओ जल्दी जाओ नाराज परी, और मेरा शक्तिशाली दंड लेकर मुझे यहाँ से आजाद करो। जाओ। भयंकर परी, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? आप मुझे क्यों नहीं बता रही कि आपका जादुई दंड कहाँ है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना भयंकर परी? नाराज परी, मेरा दंड मेरे महल के पास ही है, जाओ जाकर लेकर आओ। भयंकर परी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन सकती हैं, तो आप मुझे जादुई दंड के बारे में क्यों नहीं बता रही? भयंकर परी, क्या आप इस कैदखाने से आजाद होना नहीं चाहती? क्या आपको अपने प्राण वापस नहीं चाहिए भयंकर परी? अरे बता तो रही हूँ, मेरा जादुई दंड मेरे महल के पास है। क्या कहा था तुमने मुझे कि मैं बेवकूफ हूं? लेकिन तुम तो महामूर्ख निकली। अरे नादान भयंकर परी, तुम्ही ने तो कहा था कि इस कैद खाने से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, तो तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी? यहां बाहर से आवाज अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यही रहना है, सर्वदा कैद खाने में, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अब हो गया तुम्हें यकीन? हट गई तुम्हारी आंखों से पट्टी भयंकर परी की वफादारी की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो बहुत ही मतलबी परी। अरे उन्होंने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई देख ले, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तरास, मुझे लगता है यहाँ कोई आ रहा है। चलो जल्दी चलकर कहीं छुप जाते, वरना हम पकड़े जाएंगे। मानव, मानव कब तक रोएगा तू? अरे महल में रोने तो और क्या करूं, मेरी साइकिल चली गई और मैं साइकिल इसमें पार नहीं ले पाऊंगा। मानव सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू रो मत। कैसे ठीक हो जाएगा? जब भगवान जी कुछ नहीं कर पाए तो कैसे ठीक हो जाएगा? बेटा भगवान के लिए ऐसा नहीं बोलते। हाँ मैं रोज पूजा करती हूँ ना। हाँ अरे दादी, मैं वो वाली भगवान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकिल रिपेयर वाली भगवान जी की बात कर रहा हूँ। जो वही ठीक नहीं कर पाए तो कौन ठीक करेगा उसे? बालवीर, कुछ फेल हो जाता है तो वही आता है हम बच्चों की मदद करने के लिए। अरे हाँ, अरे हाँ, बालवीर के बारे में तो हम भूल ही गए। लेकिन मैं अपने फायदे के लिए बालवीर को बुलाना ठीक रहेगा क्या? अरे बेटा तू अपने फायदे के लिए कहाँ बुला रहा है हुँ? अगर तू ये साइकिल रेस जीतेगा तो तू महल के लिए साइकिल लाना चाहता है हुँ? तो बस बालवीर को बुला ले। हाँ मैं भी यही सोचकर अब तक चुप थी, लेकिन मेरे भाई के चेहरे से हंसी गायब होना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, अब वही सब कुछ ठीक करेगा। बालवीर, 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 क्या हुआ मानो महर, सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे क्यों बुलाया?
तुमने क्रिसमस में मानव को जो साइकिल दी थी ना, वो बालवीर, अब हम क्या करें? बालवीर के होते हुए किसी भी बच्चे के चेहरे पे उदासी नहीं आ सकती। मानो तुम्हें साइकिल भी मिलेगी और तुम इस मुकाबले में हिस्सा भी लोगे। मतलब तुम टूटी हुई साइकिल जोड़ दोगे? नहीं। लो बोलो, अब ये भी टूटी हुई साइकिल जोड़ नहीं पाएगा। मेरा मतलब है कि मैं मानव की साइकिल जोड़ूंगा नहीं, बल्कि उसकी साइकिल जो चोरी हो गई है मैं उसे ही वापस ला दूंगा। मानो मैं अभी तुम्हारी साइकिल वापस लाता हूँ। प्लीज एक बार, तूने मेरी चांस गायब किया ना, मेरी साइकिल भी गायब होगी। ये तो सचमुच में गायब हो गई। ऐसी साइकिल से सिर्फ बालवीर जी गायब कर सकते हैं। भागो! भागो! अरे बॉस, यहाँ पर ड्राइवर ही नहीं है। क्या? बालवीर, अब उस चोर को भी यहाँ बुला के सजा दो जिसने साइकिल चुराई थी। ठीक है मेहर। अरे चोर को सजा बाद में देना, पहले तुम रेस के लिए जाओ, वैसे ही देर हो चुकी है। हाँ बेटा, कहीं रेस शुरू ना हो जाए। ए, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जाना मत। अरे ये लो बेटा, जाने से पहले दही चीनी खाकर जाओ। चल मानव, जल्दी चलते। ऑल द बेस्ट मानव। बाय मम्मी। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। जीत कराना। हाँ हाँ। बाय। गुड लक। अचानक यहाँ कौन आ गया था राज? बस हमें यहाँ ना देख ले, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तराज, हम तो बेकार ही डर रहे थे, ये तो गधा तौबा तौबा निकला। और देख नाराज, उसके हाथ में भयंकर परी का दंड भी है। इसे कहते हैं किस्मत खुलने का संकेत। देख किस तरह से भयंकर परी का डंक अपने आप हमारी ओर चला आ रहा है। हे ये सचमुच बहुत डरावनी जगह, लेकिन डर क्यों रहा हूं मैं? है मेरे पास ये परी भयंकर का जादुई दंड। चलो तराज, हम चलकर भयंकर परी का ये जादुई दंड तौबा तौबा से छीन लेते हैं। चलो। नहीं नाराज, जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम हमें बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। पहले ये तो देखें कि तौबा तौबा यहाँ करने क्या आया है। परी भयंकर, परी भयंकर,
आप मुझे। तौबा तौबा। देखिए है कौन आया, आपका प्रधान श्री श्री तौबा तौबा। परी भयंकर, अरे है क्यों नहीं दे रही आप मुझे जवाब। हाँ हाँ हूँ जानता मैं, हो आप अंदर ही। बड़ी मुश्किल से सुनी थी मैंने परियों की परीलोक में बात, और लगाया है पता कि है कैद आप इस सर्वदा कैद खाने में। और आया नहीं हूँ मैं अकेला, ले आया हूँ अपने साथ आपका जादुई दंड। शाबाश शाबाश तौबा तौबा। हूँ मैं आपका वफादार, इसलिए छुड़ाने के लिए आपको यहाँ से ले आया हूँ ये जादुई दंड सीधा यहाँ। आप ऐसा नहीं है कि दिया है इसने मुझे बहुत कष्ट, और लाया हूँ मैं इसलिए इसे यहाँ। मैं बन सकता था इससे राजा भयानक लोक का, लेकिन है खाया मैंने नमक नहीं नहीं थप्पड़ आपका, तो दे सकता हूँ कैसे धोखा आपको। अब कौन रोकेगा मुझे, बाहर मेरा वफादार तौबा तौबा मेरे जादू डंड के साथ आया है, उसके एक ही वार से ये सारी दीवारें बिखर जाएंगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। और आजाद होने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें कैद में डालूंगी, उसके बाद उन परियों और बालवीर को। तरास, तौबा तौबा तो भयंकर परी के दंड से भयंकर परी को आजाद करवा देगा, और एक बार फिर से वो उनकी नजरों में हमसे ऊंचा उठ जाएगा। हो जाइए तैयार परी भयंकर, क्योंकि रहा वो तोड़ में ये दीवार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.